हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एसएस का पेपर करने जा रहे हैं। इस पेपर में ये पेपर 2012 में किसी स्कूल के एसए वन में आया हुआ है, 2012 का। तो आपको तो पता ही है कि सीबीएसई का सिलेबस जो है वो हमेशा रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज इस पेपर को ले लेते हैं हम लोग। इस पेपर में टोटल 31 क्वेश्चन हैं, और 31 क्वेश्चन है जिसमें कि 1 to 10 मार्क्स के जो हैं एमसीक्यू हैं, और कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और कुछ 5 मार्क्स के, और एक मैप वर्क है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ 3 मार्क्स तक का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द डिजीज स्प्रेड एंड इन्फेक्टेड इन कैटल इन अफ्रीका। कौन कौन सा डिजीज था जो अफ्रीकन कैटल को इन्फेक्ट किया था? तो वो था रिंडर पेस्ट। जो रिंडर पेस्ट है वो इफेक्ट किया था। उसके बाद अगला सॉरी रिंडर पेस्ट होगा, हम ट्यूबर क्लोसिस कर दिए। रिंडर पेस्ट था वो अफेक्टेड किया था अफ्रीकन कैटल्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन इंडिया। तो जो पहला कॉटन मिल था वो बॉम्बे में सेटअप हुआ था। दूसरा तीसरा है हु वॉज हाउसमैन। हाउसमैन कौन था? तो हाउसमैन जो था जिसने पेरिस को रीबिल्ड किया था। ठीक है, जिसने पेरिस को रीबिल्ड किया था। अगला क्वेश्चन है द टर्म डिस्क्राइब द इंडियन इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, जो इंडियन डिस्क्राइब द इंडियन इंडेंचर्ड लेबर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कूली, जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर को इसी नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वर्क ऑफ अ फुलर। फुलर का वर्क क्या है? तो फुलर का वर्क था, जो फुलर हुआ करते थे उनका काम था क्लॉथ गैदर करना। ठीक है, ये सब 1 मार्क्स में आ भी सकता है क्वेश्चन, ये तो खैर यहाँ एमसीक्यू में दिया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिज नॉट एन अर्ली इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ ब्रिटेन। इसमें से कौन है जो ब्रिटेन का अर्लियर सिटी नहीं है? तो लंदन जो है वो ब्रिटेन का अर्लियर इंडस्ट मतलब पहले का वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है द बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। ठीक है, द बक्सा टाइगर रिजर्व, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ लोकेटेड है? तो द बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड इनुडेशन चैनल टू इरीगेट फील्ड्स। किस पार्ट में इनुडेशन चैनल है, फील्डों को मतलब खेत को पटाने के लिए, खेत को इरीगेट करने के लिए? तो प्लेन्स ऑफ बंगाल में यह है। उसके बाद हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। इंडिया में लगभग 40% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु लेड द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए। सिविल राइट मूवमेंट किसने शुरू किया था यूएसए में? ओ सॉरी, यहाँ पे ये पहले वाला टिक है, बार बार रह जा रहा है। जब तक हम नया टिक नहीं लगाएं आप, तब तक उसको आंसर नहीं समझिएगा। तो जो सिविल राइट मूवमेंट था यूएसए में, उसको लेड किया था मार्टिन लूथर किंग। इनका नाम मार्टिन लूथर किंग है, यहाँ पे मार्टिन लूथर दिया है, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद है द शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमआर। आईएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमआर का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है आईएमआर का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एज एज पर 2004, मतलब 2004 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था? तो आंसर है 28,000, 28,000 था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए स्टडी बाय द
एस्टिमेट्स दैट 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशनल सेक्टर अलोन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका मिनिस्ट्री अफेयर्स, ठीक है। द स्टडी बाय द मिनिस्ट्री अफेयर्स एस्टिमेट दैट द 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशनल सेक्टर अलोन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप कोशिश करिएगा इन सबको पॉइंट्स में लिखने का, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ एक एक जो पहला क्वेश्चन है उसको करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है और करके आता है, 3 चैप्टर होता है ऑप्शन में। आप अगर बाकी सारे का आंसर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, जब हम बाकी 5 मार्क्स डिस्कस करेंगे तो बाकी सारा कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट वेयर कॉन्स लॉ, कॉन लॉ क्या है, ठीक है, और व्हाई वेयर दिज लॉ एबॉलिश्ड, इन लॉज को एबॉलिश क्यों किया गया, और दूसरा है कि व्हाट वेयर इट्स रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या था। देखिए कॉन लॉ क्या था कि जो एक बार ऐसा किया गया कि जो कॉर्न है, इम्पोर्ट कॉर्न का इम्पोर्ट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, मतलब आप बाहर के कंट्री से कॉर्न नहीं ला सकते हैं, इस कंट्री में इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको कॉर्न को रोक दिया गया, तो इसी लॉ को कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसको कॉर्न लॉ कहा जाता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो कंट्री में आप बाहर से ला नहीं सकते हैं, तो जो कंट्री के किसान थे वो काफ़ी महंगा बेचने लगे। तो जब महंगा बेचने लगे तो उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्योंकि कॉर्न जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इसका रिवोल्ट करने लगे, इसके खिलाफ में इससे काफ़ी गुस्सा हो गए। तो उन अनहैप्पी इंडस्ट्रियलिस्ट को और अर्बन ड्वेलर्स को मनाने के लिए सरकार ने इस कॉर्न लॉ को दोबारा एबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब कॉर्न लॉ एबॉलिश होने का क्या क्या इफेक्ट आया, तो अब इफेक्ट आया कि आप मतलब वो जो कंट्री था ब्रिटेन से भी काफ़ी सस्ते में कॉर्न अपने यहाँ मंगा सकता था, ठीक है। और उसके बाद लोग जो थे, ठीक है, अब अपने कंट्री में क्या हुआ कि उस कंट्री में तो बंद हो गया कॉर्न का प्रोडक्शन, तो क्या हुआ कि जो किसान थे वो लोग खेती करना छोड़ दिए, क्योंकि देखिए अपने उस कंट्री में से उस कंट्री का जो कॉर्न था वो महंगा पड़ रहा था, तो सरकार कॉर्न लॉ लगाया जिससे कि इम्पोर्ट रुक गया, लेकिन इससे लोग गुस्सा हो गए, तो सरकार फिर कॉर्न लॉ हटा दिया। उसके बाद जब कॉर्न लॉ हट गया तो बाहर से सस्ता में कॉर्न मिलने लगा, तो उस कंट्री के किसान जो थे वो लोग अपना खेती करना छोड़ दिए, क्योंकि उन लोग को महंगा पड़ रहा था कॉर्न उगाना, तो महंगा पड़ेगा तो महंगा ही बेचेंगे। तो अब जो कस्टमर थे वो महंगा नहीं खरीद रहे थे, वो ब्रिटेन से ब्रिटेन वाले को खरीदने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिंट कल्चर अफेक्ट वोमेन इन 19th सेंचुरी। प्रिंट कल्चर जो है वुमेन्स को 19th सेंचुरी में कैसे इफेक्ट किया। देखिए प्रिंट कल्चर का औरतों के ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ा था। सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ कि जो औरतों की ज़िंदगी थी उसमें एक परिवर्तन आया, अब औरतें पढ़ने लगीं, साथ साथ लिखने भी लगीं, वो एक अच्छी रीडर और राइटर दोनों बन चुकी थीं। वो लोग काफ़ी जर्नल्स लिखने लगीं, ठीक है, उसमें अपने राइटिंग्स में बताने लगीं कि क्यों अपने जो भी वो लिखती थीं, बुक्स लिखती थीं, जर्नल्स लिखती थीं, मैगजीन्स में उनका जो आर्टिकल आता था उसमें वो बताती थी कि औरतों का पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। और जो भी कुछ कुछ हस्बैंड और कुछ फादर ऐसे थे जो कि अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दिए मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी के टाइम तक या उसके बाद तक छोटे छोटे स्कूल्स का भी सेटअप हो चुका था सिटीज और टाउन्स में। देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसमें, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ जो हिंदूज में थिंकिंग था कि जो लड़कियाँ पढ़ लिख लेंगी उसकी वो विधवा हो जाएंगी आगे, मतलब शादी के बाद वो विडो हो जाएंगी, और मुस्लिम्स को डर था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो उर्दू का जो रोमांटिक स्टोरी है इसको पढ़कर वो बर्बाद हो सकती हैं, दे कैन वो लोग डिटोरिएट कर सकती हैं, वो लोग एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि करप्ट हो सकती हैं, जो करेक्ट वर्ड यूज किया गया है बुक में, करप्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्स फीलिंग था, ठीक है। इन ऑर्थोडॉक्स फीलिंग को धीरे धीरे जो औरतें लिखना जब शुरू की तो इन सारे फीलिंग्स को उसमें लिखी कि औरतों का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रिंट के वजह से ही हो पाया ना, अगर प्रिंट नहीं रहता तो लोग लिखती कहाँ से, उनका जर्नल्स छपता कैसे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, व्हाट इज़ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, व्हाट आर इट्स फीचर्स, रिलीफ फीचर्स, ठीक
ठीक है, तो जो टोटल ज्योग्राफिक एरिया है इंडिया का वो कितना है? वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का टोटल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया। और इंडिया के रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं? माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, आइलैंड है। अप्रोक्सीमेटली 43% प्लेन्स हैं, 43% प्लेन है, उसके बाद 30% माउंटेन है, 30% माउंटेन, और 27% जो एरिया है वो प्लेट्यू रीजन का है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में जो इसके रिलीफ फीचर हैं उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉरी डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि वो किसी रीजन में जो पाए जाते हैं, ठीक है, किसी रीजन में मिल तो गया है लेकिन अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, उनको अभी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिस मतलब जिसका एरिया पता है कि ये इस एरिया में फाउंड होता है लेकिन अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको डेवलप नहीं किया गया है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और वहीं जो डेवलप्ड रिसोर्सेस होता है, वैसा रिसोर्सेस होता है जिसका कि क्वांटिटी और क्वालिटी सब कुछ डिटरमाइंड है और उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। और ये देखिए, मतलब जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी पे, उसको यूटिलाइज करने का जो टेक्नोलॉजी है उस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम लोग आज ये पूरा 3 मार्क्स का ही करेंगे। ओ सॉरी, एक सेकेंड। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड द सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग ए स्पेसिफिक एनिमल विच वेयर ग्रेवली थ्रेटेंड इन लिस्ट आउट द स्पेसिफिक एनिमल विच हैव बीन गिवेन दिस लीगल प्रोटेक्शन। मतलब कुछ जानवरों को प्रोटेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, आपको उन जानवरों का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए उस समय चैप्टर में, मतलब ये तो अब आएगा नहीं आप लोगों के एग्जाम में, नहीं आएगा क्योंकि सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का हट गया है, उस समय ये चैप्टर था ज्योग्राफी में, इससे क्वेश्चन आता था 2012 का ये जब पेपर आया था। ठीक है, तो ऐसे जान लीजिए गवर्नमेंट जो है जैसे कौन कौन सा जानवर है जिससे कि उसको डर है कि वो ख़त्म हो सकता है, उनको बचाने के लिए लीगल रूल निकाला हुआ है, जैसे टाइगर है, वन हॉर्न राइनोसोरस है, मतलब जो राइनोसोरस होता है एक एक सिंग वाला। ठीक है, उसके बाद आपको एक हंगूल होता है वो है, और 3 तरह का क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, ये सब है। उसके बाद इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बग है, और आपको स्नो लियोपार्ड है, ये सब है जिन सबको बचाने का कोशिश किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर उन लोगों के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है कि उनका हंटिंग नहीं किया जा सकता है, उनको मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी सलमान खान भी ये ब्लैक बक वाले केस में फंसे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड दैट डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या कहा था, तो आप बता दीजिएगा टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो वो ऐसा क्यों कहे थे नेहरू जी, उसका रीजन बता रहे हैं आपको। वो ऐसा इसलिए कहे थे कि उनको उनका एक थिंकिंग था कि जो डैम्स है वो कंट्री के एग्रीकल्चर और विलेज इकोनॉमी दोनों को इंटीग्रेट करेगा, दोनों को जोड़ के रखेगा, इससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को काफ़ी प्रमोशन मिलेगा, इससे क्या होगा अर्बन इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। तो ये 3 नंबर का है, आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला क्या लिखिएगा, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, विलेज इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करेगा, अर्बन इकोनॉमी को ग्रो कराएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
व्हाट वेयर द स्पेशल एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल? बेल्जियम मॉडल का स्पेशल एलिमेंट क्या क्या था? देखिए, बेल्जियम मॉडल काफ़ी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, काफ़ी समझदारी वाला मॉडल था, क्योंकि अलग अलग स्पीकिंग के, अलग अलग भाषा के लोग थे, फिर भी सबको मिला जुला के बहुत अच्छे से रखा गया है। वहाँ पे जब गवर्नमेंट बना तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल नंबर में रखा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम प्रोसेस किया, और उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक और सरकार बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकर सबके लिए था। तो ये, और देखिए, बेल्जियम का, पूरा बेल्जियम में एक अलग कंपोजिशन था डच स्पीकर और जर्मन स्पीकर का, और जो इसका राजधानी था ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स में एक अलग स्थिति था, ठीक है। उनका ये हट नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं हट रहा। तो उसमें अलग था, दोनों जगह का अलग अलग स्थिति था। तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों जगह के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के लिए अलग गवर्नमेंट, मतलब पूरे बेल्जियम के लिए अलग गवर्नमेंट, और ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा एक और बनाया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये हट क्यों नहीं रहा है? इधर कर देते हैं इसको। ठीक, अब आगे। ओहो, हट गया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। दोनों का एक, देखिए, कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जब छोटे छोटे कंट्रीज आपस में मिलकर, ठीक है, एक अपने पावर को सेंट्रलाइज कर दें, ठीक है, इस फेडरलिज्म को कहते हैं। देखिए, इसमें भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे कंट्री जो है अपने पावर को सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है कि एक बड़ा कंट्री जो है, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यूएसए है, लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें एक बड़ा कंट्री जो है अपने पावर को छोटे छोटे में डिसेंट्रलाइज करता है। इसमें सेंट्रलाइज होगा किसमें, कमिंग टुगेदर में, होल्डिंग टुगेदर में डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और ये यूएसए है, यूएसए तो वो उनके लिए प्यारा होगा। जो यूएसए है वो क्या है, इसमें छोटे छोटे, देखिए, यूएसए को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें बहुत सारा कंट्री है। तो जब बहुत छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स जो होते हैं, अपने पावर को सेंट्रलाइज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और जब सेंटर से सारा पावर डिसेंट्रलाइज होके बाकी जगहों को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड सोशल डिवीजन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। जो हर एक सोशल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सोशल डिवीजन क्रिएट नहीं करता है। आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाना है। देखिए, कुछ लोग होते हैं उनमें किसी तरह का डिसिमिलरिटी भी होता है, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ होते हैं। जैसे आप अगर स्पोर्ट्समैन को देखिएगा, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपका अगर कोई डिग्निटी पूछेगा, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन कोई पूछेगा, तो आप क्या बोलेगा, हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, बात अलग है, लड़का है, लड़की है, जेंडर अलग अलग है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है। फिर भी ये सोशल डिवीजन हो, डिफरेंस होने के बावजूद भी एक सोशल डिवीजन नहीं ला रहा है, ठीक है, समाज में एक फ़र्क नहीं ला रहा है, समाज में बंटवारा नहीं कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि हर, यहाँ सोशल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमारे पास यूनाइट होने का एक रीजन है। जैसे सारे धर्मों के, धर्म के लोगों के पास, अगर वो हमारी कंट्री के हैं, तो यूनाइट होने का परफेक्ट रीजन है, वी आर इंडियन, ठीक है। तो ये हो गया 19। इसमें बस आपको एक एग्जाम्पल दे देना है, जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो तीन स्पोर्ट्समैन वाला,
तीन खिलाड़ी थे, दो थे आपको अफ्रीकन अमेरिकन थे, कार्लोस और स्मिथ, और तीसरा नॉर्मन जो था वो वाइट था, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ खड़े थे रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में, क्योंकि वो लोग यूनाइट थे किस वजह से, तीनों एथलीट थे, स्पोर्ट पर्सन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड, व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया, ये क्या हो रहा है, व्हाट वाज, व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया। तो देखिए, डिफरेंट कंट्रीज को किस, मतलब कौन सा डेवलपिंग है, कौन सा रिच है, इसको डिवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो यूज किया था तरीका, जिस तरीके पर वो करता था, किया था डिवीजन अलग अलग कंट्रीज को, वो हम लोग को जानना है। तो जो वर्ल्ड बैंक का 2006 का रिपोर्ट था, उसमें क्या किया था कि जिस कंट्री का इनकम 4 लाख, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का 4,53,000 से ऊपर है, ठीक है, या फिर 4,53,000 है, उन कंट्रीज को रिच कंट्रीज में कर दिया, ठीक है, और जिन कंट्री का 37,000 के आसपास है या उससे कम है, लेस मतलब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो पर कैपिटा इनकम है उसको कर दिया लो इनकम में, ठीक है, और इंडिया जो है लो इनकम कंट्रीज में आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम 2004 में कितना था, 28,000 पर एनम, मतलब साल भर में 28,000 रुपया। देखिए इसका लिमिटेशन क्या है इस रिपोर्ट का, कि इसमें ठीक है पर कैपिटा इनकम को एक पैरामीटर बनाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा भी ये सब इंक्लूड नहीं किया गया कि एम्प्लॉयमेंट किस कंट्री में कितना है, पोवर्टी कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, हेल्थ कितना है, क्योंकि देखिए पर कैपिटा, अब पंजाब और हम लोग केरल का एग्जांपल ले ले, तो पंजाब में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, पंजाब में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन केरल में पर कैपिटा इनकम कम है, फिर भी केरल में जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है पंजाब से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जीडीपी, सॉरी व्हाट इज नरेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज नरेगा एक्ट 2005, नरेगा एक्ट क्या है 2005 का। देखिए नरेगा एक्ट क्या था कि इंडिया में 200 डिस्ट्रिक्ट में, ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ था नरेगा, तो 200 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया था, अगर वो सरकार उनको 100 दिन का रोजगार देने में फेल कर जाती है, अगर वो उनको नहीं दे पाती है 100 दिन का रोजगार, तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा, जिसको बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये था नरेगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर करके, व्हाट इज जीडीपी 22 जो है, इस क्वेश्चन का आंसर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9472596352, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्टडीज के रिगार्डिंग कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप वहाँ इस नंबर पे भेज सकते हैं अपना क्वेरी, हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें सुधार किया जाए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे भी अपना ओपिनियन भेज सकते हैं। थैंक यू।